आई एम डीमोटिवेटेड, आई थिंक आई एम नॉट इंटेलिजेंट. इफ यू वॉन्ट टू क्रैक जेई, मैं एक बात आज आपको बताता हूँ और फिर एक छोटी सी स्टोरी अपन शेयर करते हैं और इस स्टोरी के बाद आज की क्लास एंड करेंगे. अगर आपको ITN बनना है, जैसे अभी बहुत सारे बच्चों का टेस्ट आया ना, ITN अगर आपको बनना है, अगर आपको ITN बनना है, सर सुनिएगा मेरी बात ध्यान से, इफ यू वॉन्ट बी एन ITN, यू मे बी एन एवरेज स्टूडेंट, एक एवरेज स्टूडेंट हो और आप हार्ड वर्किंग हो, दिस इज द बेस्ट कॉम्बिनेशन. एवरेज स्टूडेंट प्लस हार्ड वर्किंग, दिस इज द बेस्ट कॉम्बिनेशन. याद रखना, दिस इज द बेस्ट मटीरियल फॉर IT, दिस इज द बेस्ट पीस कट आउट फॉर IT. मैं फिर बोलता हूँ, अच्छा सर हार्ड वर्किंग और एवरेज स्टूडेंट, हाँ बिल्कुल, ये सबसे बेहतरीन पीस है सर. पता है क्यों? क्योंकि जो ब्रिलियंट स्टूडेंट होते हैं ना, जो ब्रिलियंट स्टूडेंट होते हैं, वो 1% हटा दो सर, 1% अलग ही लीग के बच्चे होते हैं. मतलब मैं उनके बारे में तुम्हें बता ही नहीं सकता, पूरे दिन मैं बता सकता हूँ कि वो बच्चा कितना अच्छा, कितने अच्छे कैटेगरी के बच्चे होते हैं. वो 1% अलग है सर, वो किसी अलग मटेरियल से कट के बने, उनके बारे में छोड़ दो, तुम में से भी उनमें कुछ होंगे, लेकिन ये बेस्ट पीस है जिस पे सब लोग और बहुत अच्छा काम किया जा सकता है. क्योंकि जो बीच के होते हैं ना, आधे कचरे होते हैं सर, उनको लगता है कि मेरे को सब आता है, और जिसको सब आता है उसको कोई कुछ नहीं सिखा सकता. ठीक है, तो अगर आप एवरेज स्टूडेंट हैं और आप हार्ड वर्किंग हैं, तो मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं. आपने इसका नाम सुना है क्या अपने जीवन में? इस खिलाड़ी का नाम सुना है क्या? कितने लोगों ने इस खिलाड़ी का नाम सुना है? बस 5 मिनट और लूंगा और एक आपको एक रियल लाइफ स्टोरी बस सुनाऊंगा कि कैसे और क्या होती है जिंदगी में. चीजें कठिन होती हैं तो हार नहीं मानते. इस खिलाड़ी का नाम कितने लोगों ने सुना है? स्टुअर्ट ब्रॉड. इस खिलाड़ी का नाम कितने लोगों ने सुना है? स्टुअर्ट ब्रॉड. कहाँ का प्लेयर है? कहाँ का प्लेयर है? कहाँ का प्लेयर है? तो आप बोलोगे सर ये इंग्लैंड का प्लेयर है सर, और इंग्लैंड का क्या है? फास्ट बॉलर. सभी लोग जानते होंगे इसको, सभी लोग जानते हैं इसको. इसकी कहानी सुनाता हूं सर. कहानी मतलब ऐसा नहीं कि कोई नहीं जानता सर. ये ना T20 खेल रहा था वर्ल्ड कप, सुनना मेरी बात, ये T20 वर्ल्ड कप खेल रहा था सर इंडिया के साथ, और अपने प्यारे खिलाड़ी हैं जिनका नाम है युवराज सिंह. युवराज सिंह ने इनके एक ओवर में 6 छक्के मार दिए सर, 6 सिक्सेस. एक ओवर में 6 छक्के, 6 सिक्सेस. और ये स्टुअर्ट ब्रॉड जो है ना, इनके पिताजी का नाम है क्रिश ब्रॉड, और क्रिश ब्रॉड जो है ये ऑलरेडी इंग्लैंड टीम का खिलाड़ी था. मतलब इसके पिता ITN, अगर तुम IT समझते हो ना किसी इंटरनेशनल टीम में, नेशनल टीम में खेलना, तो इसके पिताजी ऑलरेडी ITN. बच्चा बेचारा कितने साल का था 2007 में? 2007 में ये 19-20 साल का रहा होगा. 19-20 साल की उम्र में 6 छक्के मार दिए सर एक ओवर में, 6 छक्के, 6 छक्के सर. मैं तुम्हें एक बात बोलता हूं, अगर तुम अपने मोहल्ले में क्रिकेट खेलते हो ना, अगर तुम अपने मोहल्ले में किसी भी बल्लेबाज से 6 छक्के खा जाओ ना, उसके बाद तो तुम क्रिकेट खेलना छोड़ दो सर. कोई बल्लेबाज आके तुम्हें 6 छक्के मार दे, चाहे तुम्हारे मोहल्ले का वो युवराज सिंह ही हो, क्रिकेट खेलना छोड़ दो, छोड़ देगा, है ना, क्रिकेट खेलना छोड़ देगा सर. और 19 साल का बच्चा यार, 19 साल में तुम्हारी उम्र अभी 15 साल के आसपास होगी, 15-16 साल की. तुम सोचो अभी से 2-3 साल आगे पीछे. ठीक है, जीवन ने इसको बहुत मौके दिए, जीवन ने इसको बहुत मौके दिए सर. और अगर 19 साल में कोई इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहा है, इसका मतलब ही इज वंडरफुल. अगर 15 साल में तुम यहां पे हो और तुम जेई की तैयारी करने का बारे में सोच चुके हो, तो यू हैव गॉट स्पिरिट, सबके बस की नहीं होती है. उसके बाद बहुत सारे लोग यहां पे क्या करते सर, गिव अप कर देते. और गिव अप करने का मतलब है करियर खत्म, कि भाई मेरे से जेई वही नहीं होगा, मेरे को तो बर्बाद कर दिया गया है. मैं तो पहला लेक्चर देख रहा था, एक भी सवाल नहीं हुआ, मैंने दूसरा लेक्चर देखा, एक ही सवाल हुआ, मैंने पांचवा लेक्चर देखा, एक ही सवाल हुआ. आज के डेट की अगर हम बात करें, आज के डेट की बात करें सर, तो टेस्ट क्रिकेट की अगर मैं बात करूं, टेस्ट क्रिकेट जो कि सबसे कठिन माना जाता है, टेस्ट क्रिकेट में भाई साहब 576 विकेट्स लेके बैठा हुआ है बंदा, और 600 विकेट भी ले लेगा बहुत जल्दी. फास्ट बॉलर में इसके आगे एक ही आदमी है जिसका नाम है जेम्स एंडरसन, इसी की कंट्री का, और कोई है ही नहीं सर, और कोई है ही नहीं. इसका क्या मतलब है सर, आप कहना क्या चाहते हो? मैं कहना ये चाहता हूं, अब सुनना मेरी बात, जो मैं कहना चाहता हूं सर, इसके पापा ITN
आईटी का एग्जाम देने गया, गंदी तरीके से मार खाया, लेकिन हिम्मत नहीं हारी सर, लगा रहा, प्रैक्टिस की, बेइज्जती होने के बाद जमा किया उसको, इकट्ठा किया और तहलका मचाया सर। ऐसा नहीं कि है ना, तहलका मचाया सर। इसको कहते हैं लाइफ, इसको कहते हैं स्पिरिट। अगर तुम्हें याद रखना जीवन में, अगर अगर लाइफ को, लाइफ से तुमसे कुछ बड़ा करवाना है ना, लाइफ को तुमसे कुछ बड़ा कराना है ना सर, लाइफ को तुमसे कुछ बड़ा कराना है ना, तो वो तुम्हें गड्ढे में गिराएगी। लाइफ विल थ्रो यू इन, लाइफ विल थ्रो यू इन डिफिकल्टी, याद रखिएगा, थ्रो यू इन डिफिकल्टी, ये हमेशा याद रखना। होगा ही सर, इसके बिना कुछ हो ही नहीं सकता, कुछ नहीं हो सकता सर, कुछ नहीं हो सकता। दुनिया में किसी का भी एग्जाम्पल ले ले, अगर जीवन में तुमसे कुछ बड़ा करवाना है जिंदगी को, तो वो तुम्हें गड्ढे में गिराएगी, और वहां से अगर अगर तुम वहां से उठ गए ना, अगर तुम उस पॉइंट पे वहां से उठ के खड़े हो गए ना, तो तुमको ताज पहना देगी सर, ताज। तुम बाकी छोड़ो, स्टुअर्ट ब्रॉड नहीं समझ में आता ना, धोनी का एग्जाम्पल ले लो सर, धोनी के पैरेलली है ना, धोनी जब क्रिकेट खेलता था तो धोनी के साथ ही एक खिलाड़ी हुआ युवराज सिंह। युवराज सिंह के भी पापा आईटीएन सर, इसके भी पापा इंटरनेशनल क्रिकेटर थे इंडिया के लिए, योगराज सिंह। युवराज सिंह 19 साल में इंडिया खेल गया सर, युवराज सिंह 19 साल में इंडिया खेल गया। धोनी के साथ क्या हुआ सर, धोनी, महेंद्र सिंह धोनी के साथ क्या हुआ सर, सेलेक्ट ही नहीं हो पाया कुछ, है ना, अंडर 19 इंडियन टीम में सिलेक्शन ही नहीं हुआ। अगर तुमने मूवी देखी अंडर 19 इंडियन टीम में, उसका सिलेक्शन नहीं हुआ, युवराज का हो गया। लाइफ ने धोखा दिया उसको, या लाइफ ने गड्ढे में गिराया, धोनी हार नहीं माना। फिर उसकी देवधर ट्रॉफी में सिलेक्शन हुआ, बेचारे की फ्लाइट मिस हो गई, पहुंच ही नहीं पाया सर, कुछ भी करके इंडियन टीम में आ गया 2003 में। पहले मैच में सर जीरो पे रन आउट हो गया, पहले बॉल पे, दूसरे बॉल पे रन आउट हो गया, वापस आ गया सर, लेकिन फिर भी नहीं आ रहा सर, गड्ढे में गिरा रहा। फिर लाइफ ने गड्ढे में गिराया सर, उसके लाइफ में सब कुछ अच्छा चल रहा था, उसकी गर्लफ्रेंड का रोड एक्सीडेंट हो गया, सी डाइड, फिर भी हिम्मत नहीं हारी। और जब जीवन ने इसके लाइफ में इतनी डिफिकल्टीज दे दी, जब जीवन में इसके लाइफ में इतनी डिफिकल्टी दे दी ना, तो हमें मिला एक बहुत खतरनाक आदमी, जिसका नाम आज भी है कैप्टन कूल। अब सोचो, अगर इसने लाइफ में इतनी डिफिकल्टी फेस ना की होती ना, कभी कैप्टन कूल नहीं बनता सर, कभी कैप्टन कूल नहीं बनता। तो जीवन में जितनी कठिनाई फेस करोगे सर, युवराज सिंह भी बहुत ग्रेट प्लेयर है, अगर मैं आपसे पूछूं युवराज सिंह कैसा प्लेयर है, बहुत बहुत अच्छा खिलाड़ी है सर, लेकिन धोनी तो धोनी है सर, बहुत युवराज सिंह हो सकते हैं लेकिन धोनी दूसरा नहीं होगा। इसी के लिए याद रखना, लाइफ में डिफिकल्टी आएंगी सर, हर ग्रेट आदमी के लाइफ में डिफिकल्टी थी, हर ग्रेट पर्सन के लाइफ में डिफिकल्टी थी, जीवन तुम्हें गड्ढे में ढकेलेगा ही, इट इज यू दैट हाउ यू कम आउट फ्रॉम देयर, हाउ यू फाइट बैक, ये तुम कैसे मेहनत करोगे ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। तुम हार गए, हार जाओगे सर, बहुत लोग हार जाते हैं, 100 में से 99 लोग हार जाते हैं सर, तुम्हें वो 99 बनना है। यू वॉन्ट टू बिकम दैट 99 पीपल, और यू स्टैंड आउट टू बिकम दैट 1% ऑफ द पीपल जो दुनिया पर राज करते हैं, ये तुम्हें डिसाइड करना है, नहीं तो नहीं कर पाओगे। हार मान गए कुछ नहीं होगा, लड़ते रहोगे सब कुछ होगा सर, लड़ना सीखना है, लड़ना सीखना है। With this we come to conclusion. हाँ, अलग सर का example ले लो यार, बाकी कहीं जाने की जरूरत नहीं है, बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं, अलग सर कोई देख लो सर, so much of difficulty, so much of pain, grief, but he built such a big system for students, है ना। कभी जैसे मैं मिलता हूँ अलग सर से, हमारी बात होती है तो होती है, मैं भी ये कहता हूँ कि सर आपको अपनी stories बच्चों के साथ हमेशा शेयर करते रहनी चाहिए, क्योंकि बच्चों को बाहर जागने की जरूरत नहीं। और मैं कह रहा हूँ अलग सर छोड़ो, तुम्हारे अपने मम्मी पापा भी रोज स्ट्रगल करते हैं सर फॉर यू ओनली, कि मेरा बेटे के थाली पे ना उसके मनपसंद की चीज़ हो। आपके पापा आपके मम्मी रोज मेहनत करते हैं, पता है क्यों? क्योंकि वो बस इतना चाहते हैं कि मेरे बेटे की थाली पे उसके मनपसंद की चीज़ रखी हो खाने के लिए, वो पनीर चाहे तो पनीर मिले, उसके शरीर पे उसके फेवरेट कलर की टी शर्ट हो, है ना, उसके हाथ में उसका फेवरेट पेन हो, उसके सामने एक अच्छी कॉपी हो। मैंने ऐसे स्टूडेंट भी देखे हैं ना जिनके पास, पता, मैं एक एग्जांपल देता हूँ, मेरा एक स्टूडेंट है अभी आईटी कानपुर में पढ़ता है, उसके पास एक कॉपी हुआ करती थी सर, उसमें पहले ब्लू पेन से लिखता था फिर उसी पे रेड पेन से लिखता था, पता है क्यों? पैसे नहीं होते थे सर, नहीं होते थे। कितनी बार
अपन लोगों ने उसके हॉस्टल की फीस पे की है कि भाई तू रह ले बट पढ़। लड़का जैम सर जैम। तो दैट्स ऑल वी हैव टुडे इन टुडे क्लास। मिलते हैं अगले लेक्चर में। मिलते हैं अगले लेक्चर।